पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। मेरा नाम वजाहत और मेरे साथ है मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आने लगी है, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस टर्की टॉप 10 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स 2021 का कंपैरिजन है। तो यार मतलब टॉलेस्ट बिल्डिंग इंडिया और तुर्की में किसकी है? मुझे इंडिया की लग रही है, क्योंकि मुंबई में काफी लंबी एक टॉलेस्ट बिल्डिंग है, उसका नाम मुझे अब नहीं पता। तो देखते हैं, कंपटीशन हार्ड है। 3-1 एंड स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो व्यूवर्स, वेलकम है आपका आज की इस टॉप 10 टॉलेस्ट बिल्डिंग कंपैरिजन वीडियो में। आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे टर्की और इंडिया की टॉप 10 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स को, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब करें मिस्टर कामरान चैनल को और प्रेस करें साथ वाले बेल आइकन को, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन, ताकि आप देख सकें हर आने वाली वीडियोस को सबसे पहले। नंबर वन इंडिया में नंबर वन पे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है वर्ल्ड वन। ये बिल्डिंग मुंबई सिटी में है, 400 किलोमीटर ऊपर जाओ, 42 मीटर्स, बहुत ऊंची बिल्डिंग है यार, 450 फीट है। इस बिल्डिंग के 117 फ्लोर्स हैं और ये एक रेजिडेंशियल टाइप की जो नंबर वन पे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है हाई लाइफ टावर। ये बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये इजमी बाजी लेगा इंडिया। मतलब पहली बिल्डिंग की हाइट 375 मीटर्स और 1230 ये अंडर कंस्ट्रक्शन के ऑफिस रेजिडेंशियल और रिटेल टाइप की बिल्डिंग है, मतलब सबसे टॉलेस्ट इंडिया की इतनी है। नंबर टू इंडिया में, नंबर टू पे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है 360 वेस्ट टावर पी। ये बिल्डिंग मुंबई सिटी में है। इस बिल्डिंग सेकंड उसके बराबर है, उसकी फर्स्ट मीटर्स और 1185 फीट है। इस बिल्डिंग के 90 फ्लोर्स हैं और ये एक रेजिडेंशियल टाइप की बिल्डिंग है। ओके, टर्की में जो नंबर टू पे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वह है मरकज अंकारा ऑफिस टावर। ये बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंकारा सिटी में है। इस बिल्डिंग की हाइट 301 मीटर्स और 988 फीट है। इंडिया की काफी इस बिल्डिंग के 66 फ्लोर्स हैं और ये एक ऑफिस टाइप की बिल्डिंग है। नंबर थ्री, इंडिया में नंबर थ्री पे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है इंपीरियल थ्री। ये बिल्डिंग छोटी बड़ी फिर बड़ी सिटी में है। इस बिल्डिंग की हाइट 355 मीटर्स और 1165 फीट है। इस बिल्डिंग के 70 फ्लोर्स हैं और ये एक रेजिडेंशियल आसमानों को छू रही है इंडिया की बिल्डिंग। टर्की में जो नंबर थ्री पे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है स्काईलैंड ऑफिस टावर। ये बिल्डिंग इस्तांबुल सिटी में है। इस बिल्डिंग की हाइट 284 मीटर्स और 932 फीट है। डिजाइन इसका भी अच्छा है, अच्छा डिजाइन वाला है। 5 फ्लोर्स हैं और ये एक ऑफिस टाइप की बिल्डिंग है। अच्छा, ऑफिस टाइप की। नंबर 4, इंडिया में नंबर 4 पे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है पैलेस रॉयल। पैलेस रॉयल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये बिल्डिंग मुंबई सिटी में है। इस बिल्डिंग की हाइट 320 मीटर्स और 1050 फीट है। इस बिल्डिंग के 88 फ्लोर्स हैं और ये एक रेजिडेंशियल टाइप की बिल्डिंग है। नंबर 4 पे टॉलेस्ट बिल्डिंग है स्काईलैंड रेजिडेंशियल टावर। ये बिल्डिंग इस्तांबुल सिटी में है। ये उसी के साथ नहीं है, सेकेंड वाली बिल्डिंग वो फर्स्ट वाली थी, अब एक ही जगह में है। हां हां हां, एग्जैक्टली। इस बिल्डिंग के 64 फ्लोर है, देखा वो वाली फर्स्ट वाली एक रेजिडेंशियल टाइप मिड वाली बिल्डिंग है। नंबर 5, इंडिया में नंबर 5 पे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है नमस्ते ये बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत प्यारी है यार ये चीज, बहुत प्यारी सिटी में इसका सबसे प्यारा डिजाइन है। इस बिल्डिंग की हाइट 310 मीटर्स और 1017 फीट है। इस बिल्डिंग के 63 फ्लोर्स हैं और ये होटल और रिटेल टाइप की बिल्डिंग है। टर्की में जो नंबर 5 पे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है मेट्रोपोल टावर इस्तांबुल। ये बिल्डिंग इस्तांबुल सिटी में है। इस बिल्डिंग की हाइट 280 मीटर और 919 फीट है।
इस बिल्डिंग के 58 फ्लोर्स हैं, मतलब और ये होटल रेजिडेंशियल और ऑफिस टाइप की बिल्डिंग है। नंबर 6, इंडिया में नंबर 6 पे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है ब्राइस बज। ब्राइस बज बिल्डिंग नोएडा में है, ये भी 300 देख 6 बिल्डिंग 300 तक है मीटर्स और 904 फीट है। सही बोला, इस बिल्डिंग के 82 इंडिया में बहुत ट्रेंड चल रहा है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और ये एक रेजिडेंशियल टाइप की बिल्डिंग है। मुंबई में टर्की में जो नंबर 6 पे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है डायमंड ऑफ इस्तांबुल। सीरियसली नहीं यार, बहुत प्यारी है, ओल्ड है नहीं, ये इसका डिजाइन इस्तांबुल सिटी में है। इस बिल्डिंग की हाइट 268 मीटर्स और 879 फीट है। इस बिल्डिंग के 53 फ्लोर्स हैं और ये एक रेजिडेंशियल होटल और ऑफिस टाइप की बिल्डिंग है। और तीनों चीजें हैं। इंडिया में नंबर 7 पे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है सुपरनोवा स्पायरा नोएडा में। ये बिल्डिंग 300 मीटर फीट है, और ये एक होटल और रेजिडेंशियल टाइप की बिल्डिंग है। भाई इंडिया कहता है कि 300 से कम ना हो। टर्की 7 पे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है स्फीयर टावर। ये बिल्डिंग इस्तांबुल सिटी में है। ये भी इस बिल्डिंग से ऊपर ऊपर इस टावर है और 856 फीट है। ये काफी ऊंची बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की 55 फ्लोर्स हैं और ये एक रेजिडेंशियल टाइप की बिल्डिंग है। ऊपर देख टर्की का झंडा लगा है। नंबर 8, इंडिया में नंबर 8 पे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है HBS स्काईलाइन। ये बिल्डिंग मुंबई सिटी में है। स्काईलाइन इस बिल्डिंग की हाइट 300 ब्लिंक है, ये भी 384 फीट है। इस बिल्डिंग के 76 फ्लोर्स हैं और ये रेजिडेंशियल टाइप की बिल्डिंग है। टर्की में जो नंबर 8 पे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है महल बोमंटी इजमिर। ये बिल्डिंग इजमिर सिटी में है। इस बिल्डिंग की हाइट 240 मीटर्स। यार इंडिया तो फुल बाजी लेके गया हुआ है यार। इस बिल्डिंग के 58 फ्लोर्स हैं और ये एक रेजिडेंशियल ऑफिस और रिटेल टाइप की बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जब बन रही है अभी। नंबर 9, इंडिया में जो नंबर 9 पे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है लोखंडवाला में मिनर्वा। ये मुंबई में है, मुंबई सिटी में है। ये भी देख तकरीबन 96.2 मीटर, ये देख भाई इसका 972 फीट है। यू टाइप का 90 फ्लोर मैग्नेट टाइप का मैग्नेट है ये पूरा, यूं वो मैग्नेट बबड़ा है। टर्की में जो नंबर 9 पे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है इमार स्क्वायर द एड्रेस होटल एंड रेजिडेंस। ये बिल्डिंग इस्तांबुल सिटी में है। इस बिल्डिंग की हाइट 229.4 मीटर्स और 753 फीट है। इस बिल्डिंग के 50 फ्लोर्स हैं और ये बिल्डिंग रिटेल होटल अच्छी है, डिजाइन वाइज अच्छी है बिल्डिंग और रेजिडेंशियल टाइप की बिल्डिंग है। नंबर 10, इंडिया में नंबर 10 पे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है ये काफी प्यारी है ना, स्काई सूट्स इंडिया बुल्स। ये बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये मतलब मुंबई सिटी में है। इस बिल्डिंग की हाइट 291 मीटर्स और 955 फीट है। इस बिल्डिंग के 75 फ्लोर्स हैं और ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। जो नंबर 10 पे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है नूरुल लाइफ। ये सिंपल है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग इस्तांबुल सिटी में है। इस बिल्डिंग की हाइट 220 मीटर्स और 722 फीट है। इस बिल्डिंग के 60 फ्लोर्स हैं और ये एक रेजिडेंशियल टाइप की बिल्डिंग है। अगर वीडियो आपको अच्छी इसी से तो ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनका चैनल सब्सक्राइब करना। भाई देखो इसमें कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं आ रही, इंडिया सीधा सीधा जीत रहा है ये है, और क्योंकि टॉलेस्ट बिल्डिंग में और सबसे ज्यादा मुझे इंडिया की जो यार मतलब दोनों के पास जो क्या कर रहा है आज नींद में नहीं है तू? नहीं मतलब मैं यूं यूं कह रहा हूँ गांजा छुपो क्या है। तो यार मुबशर वाक्य में काफी बड़ी है इंडिया के पास। हाँ। और काफी डिजाइन में अच्छी है, और एक जो फर्स्ट वाली हो तो अलग लीग में खेल रही है। फर्स्ट वाली सीधा भाई ऊंची है वहाँ पे 450 किलो मीटर सॉरी उससे भी ऊपर थी, उससे भी ऊपर थी, यानी तो समझ ले आधा किलोमीटर ऊपर।
आराम से। फर्स्ट वाली तो यार बहुत ऊंची बनाई, तो यार और बताओ कोई प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में? हाँ मतलब इससे भी ऊंची कोई बना रहा है वही तो। और यार बिल्डिंग्स खूबसूरती के लिहाज से इंडिया की काफी अच्छी थी और उसकी भी अच्छी थी, लेकिन ज्यादा प्लस पॉइंट किसका जा रहा है तू? क्या यार मुझे दोनों के स्ट्रक्चर्स पसंद है, दोनों के दोनों के डिजाइन। आप नमस्ते टावर देख ले, फिर टर्की की एक वो वाली थी यार, मतलब डायमंड यू समथिंग। इंडिया की मुझे सबसे जो यूनिक और सबसे जो प्यारी बिल्डिंग लगती है डिजाइन वाइज वो है नमस्ते टावर, क्योंकि वो इस तरह है यार सीधा, तो काफी यार यूनिक चीज बना है, बहुत काफी बहुत यूनिक है, डिफरेंट पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट चीज है, लेकिन बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है और ये काफी प्यारी बिल्डिंग है, ये छोटी नहीं है। और टर्की की भी नमस्ते टावर के बाद जो आई थी वो मुझे बहुत अच्छी थी, वो इसमें तो कोई शक नहीं, अब उसका मुझे नाम नहीं याद नहीं चला, लेकिन ये कि काफी अच्छी अच्छी बिल्डिंग है यार, दहरी बात है खर्चा कर रहे हैं। और इंडिया के 300 मीटर से कोई नीचे नहीं थी, सीधी सी बात है 300 मीटर से नीचे 10 मीटर ऐसे कुछ नहीं होता, छोटा सा ही होता है, इतना नहीं होता। लेकिन ये है कि भाई बहुत अलग लीग में इंडिया खेल रहा है, इंडिया क्या कर रहा है इंडिया भाई, क्या और ज्यादा मुंबई और दो एक नोएडा बस इधर है, बाकी मुझे कहीं नहीं लगी। मतलब इंडिया में सारी न्यूयॉर्क मुंबई कुछ ऐसी तो नहीं बोलते एशिया, कोई शक नहीं है क्योंकि बिल्डिंग ऐसी, सही बोला। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, बाय।